इसलिए बहुत जो बुद्धिजीवी होते हैं वे अधिक सोते भी नहीं। बुद्धू ही ज्यादा सोएगा, भले वो इंग्लिश बोलता हो, हिंदी बोलता हो, मैथमेटिक के क्वेश्चन हल कर देता हो, लेकिन खुद ही हलाहल बना हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा सोता नहीं, अलर्ट। बुद्धिमान बहुत अधिक समय तक खाता भी नहीं। बस बुद्धिमान बहुत जल्दी भी नहीं खाता है, ऐसा भी नहीं कि फट से मुंह में डाला रसगुल्ला गटक गया। वो समझता है कि हजम नहीं होगा, चबाना भी चाहिए। कितने लोग तो दाल भात मिला करके उठा कर पी भी लेते, कितने लोग तो मैंने देखा खीर उठा कर पूरी पी लिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, बोले जल्दी बहुत है। मैंने कहा पियोगे हजम कैसे होगा, लार मिलनी चाहिए इसमें, मुंह से लेकर के पूरा आंतों तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने प्रकार के रस, लिक्विड, केमिकल भोजन खाद्य पदार्थ में सम्मिलित होते हैं, तब भोजन डाइजेस्ट होता है। इसमें जठर रस, अग्न्याशय रस, आमाशय रस, लार का रस, ये सब रस मिलते हैं तब हजम होता है। इसलिए बहुत स्पीड से भी गटक गटक के नहीं खाना चाहिए। पानी अगर उकड़ू बैठकर आप पीते हैं और घूंट घूंट कर पीते हैं, मुंह में भरा, दो सेकंड रोका और फिर पानी अंदर ले गए, तो आपकी घुटना में दर्द, जॉइंट में दर्द नहीं होगा। ये फ्री की दवा बता रहा हूँ, छोटी छोटी सावधानी रखो। बार बार पैर नहीं धोना चाहिए तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। याद रखना, मुंह बार बार धोना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए। हाथ और मुंह धो करके, पैर धो करके, स्नान करके कभी एसी की हवा तुरंत लेना नहीं चाहिए, कूलर की हवा नहीं लेना चाहिए, पंखे की हवा भी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा 5 मिनट सामान्य टेम्परेचर बॉडी का होने दीजिए। योगा करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। योगा करने के बाद तुरंत हाथ पांव मुंह नहीं धोना चाहिए। योगा करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। योगा के तुरंत बाद कुछ खाना भी नहीं चाहिए 10 मिनट तक। योगा के तुरंत बाद पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा भी नहीं खाना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर योगा करने के बाद बढ़ जाता है, इसलिए उस टेम्परेचर को सामान्य डिग्री में आने दीजिए। ये छोटी छोटी सावधानियां आपके स्वास्थ्य को सुधारती है। प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए। अधिक समय तक पानी न पीने से गला सूख जाता, लार सूख जाती है, फिर जब पियोगे तो पानी भी अंदर जाने में मुश्किल होगी। तुम कहोगे गले में फंदा लग रहा, फंदा वंदा कुछ नहीं है, वहाँ नाली सूख गई है इसलिए रुक रहा है, वहाँ गीलापन खत्म हो गया है, वाटर कम हो गया है। ये शरीर वाटर कूल्ड है, एयर कूल्ड है, इसमें वाटर भी चाहिए, हवा भी चाहिए। इसलिए बाहर से भी जब हवा लगती है तुम्हारे बदन में, तुमको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। इसलिए महिलाएं जहाँ रहती हैं घर में, वहाँ जब पुरुषों को जाना हो थोड़ा खांस करके जाना चाहिए, ताकि कभी उनको अपने बदन में हवा आराम से ले रही हैं तो समझ जाएं कोई पुरुष आ रहा है, तो अपने बदन को वस्त्र से ढांक लेंगी। क्योंकि हर समय ये कपड़े पहनने से, मैं देखता हूँ पगड़ी जब खोलता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वजन उतर गया है, और सिर में हवा लगती है तो बड़ा सुख मिलता है। लेकिन अब किसी को मिलना होता है या सत्संग में आना है तो फिर तुरंत पगड़ी रख लेता हूँ, टोपी जैसे रख लिया, क्योंकि अपनी वेशभूषा में, पुलिस जवान भी अपनी वेशभूषा में आ जाता है, तुरंत कमरे में पहुँचता है। तो आज एक पुलिस जवान को देखा मैंने, तो बड़ा दुबला पतला है, एकदम डिगडिगा डिगडिग कलंदर घूम रहा है। तो हमने कहा अरे ये तो अभी ड्रेस पहनकर निकला था, बड़ा चुस्त दुरुस्त लग रहा था, ये कैसे इतना दुबला हो गया। हो गया थोड़े, हो था ही पहले, लग रहा था ठीक ठाक है। तो ये अपनी ड्रेस होती, पर उसका भी बदन हवा मांग रहा है, एयर लगनी चाहिए। प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यास भी कीजिए, कुदरत के साथ भी रहना सीखिए, थोड़ा बदन में गर्मी भी लग जाने दीजिए कभी कभी, घोंट घोंट कर पानी पीजिए, चबा चबा कर भोजन कीजिए। और भोजन में आप ज़्यादा परहेज वरहेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस
दाल खाइए, रोटी खाइए, थोड़ा चम्मच भर चावल भी लीजिए, यदि शुगर है तो मत लीजिए, फिर भी जिस दिन कटहल खाइए, चावल खाइए, कटहल और प्याज के साथ दूध मत लीजिए, दूध से बनी हुई चीज़ें मत लीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा आपका, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, बड़ा आनंद प्राप्त करोगे, शरीर को संभाल कर रखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, संत जी हैं, कह रहे थे आपका शरीर जैसा का तैसा है। मैंने कहा इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। बोले कैसे संभालते हो? हमने कहा जैसे फ्रिज में सामान संभल जाता है ऐसे मैं संभल कर रहता हूँ। बोले दौड़ वही है, जंप वही है। छत्तीसगढ़ का एक एडवोकेट कह रहा था 25 साल पहले भी वही दौड़ थी आपकी, इस साल देखा हथबंद में 40 घरों में पधरौनी जाना था, फिर मैंने पकड़ा स्पीड, सारा गांव मेरे पीछे भागता था, ये साधु संत धड़पड़ धड़पड़ 40 घर 2 घंटे में निपटाया। बोले गुरुदेव अभी आपको कमजोरी नहीं आई? मैंने कहा आने ही नहीं दूंगा, जोरदार रहूंगा, लखीमपुर की बनी हुई स्पेशल कंपनी की खीर खाऊंगा, सेवई खाऊंगा। भक्तों के हाथ का बना हुआ नाश्ता थोड़ा ग्रहण कर लूंगा, होटल का टोटल नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, भक्त के हाथ का पानी, संत के हाथ का नाश्ता, पवित्र नाश्ता खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो कम सूट करे उसे बिल्कुल कम खाइए, जो बिल्कुल ना सूट करे उसको बिल्कुल मत खाइए, जो पूरा सूट करे तो उसको अधूरा खाइए। सूट करे इसका मतलब नहीं तुम बाल्टी भर खीर पी लोगे तो सूट करने वाला भी अब सूट हो जाएगा, कहाँ तक सूट करेगा। इसलिए कम खाना, पर कभी कभी थोड़ा सा एक समोसा भी खा लीजिए चटनी के साथ, खाली समोसा मत खाना, कचौरी खाइए चटनी के साथ। डोडी कचौरी सेंटर डिस्ट्रिक्ट सीहोर देवास के बीच में है, डोडी कचौरी सेंटर, वहाँ से फोन आया कि गुरुदेव 2.5 वर्ष हो गए आप आए नहीं, गरम कचौरी ठंडी हो रही है। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले आप भूल गए मेरे यहाँ आए थे आप, मेरा कचौरी सेंटर है। तो हमने कहा तो आप बिजनेस करो? बोले नहीं, संतों को खिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक बार खिला दिया बस हो गए? बोले नहीं, एक बार खिलाया हूँ तो हुआ क्या आपको पता है गुरुदेव? हमने कहा क्या हुआ? बोले ओनली कचौरी सेंटर 20,000 की कचौरी रोज बेचता हूँ, जब आपको कचौरी खिलाया था तब 5,000 की बेचता था, 20 एक बार और खा लो तो 50,000 की रोज कचौरी बिके। तो हमने कहा कमाल है। तो मैंने कहा महितवाड़ा वाले भक्तों को बोल दो, वीरेंद्र को, अच्छे को, सचिन को प्रोग्राम करवाएं। बोले वो तो करवाना चाहते हैं, आप टाइम नहीं देते। बोले अब डोडी चौराहे पर ही करूंगा, मेरे कचौरी सेंटर के पास प्रोग्राम होगा और जितना पैसा कम पड़ेगा मैं लगाऊंगा और रोज कचौरी साधुओं को खिलाऊंगा, इससे उन्नत हुई हमारी। तो मैंने कहा तुम्हारी तो उन्नत हो जाएगी पर साधु रोज कचौरी खाएगा ये खुद ही कचरा गंज हो जाएगा। बहुत रोज माल उड़ाना भी खतरनाक ही है। लेकिन रूखा सूखा भूसा खा करके भी तुम सोचो कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ये रूखा सूखा भूसा भी मत खाइए, अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल भी मत खाइए, शुद्ध पवित्र स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाइए। और जिस भोजन में स्वाद नहीं होगा याद रखना भोजन खाने के बाद आपके स्वास्थ्य को जरूर नष्ट करेगा, इसलिए भोजन में स्वाद भी होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और भोजन आपका ऐसा सादगी का होना चाहिए, टेस्ट भी हो लेकिन खाने के बाद कोई कष्ट भी ना हो, पूरा रेस्ट भी हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। भोजन बनाइए इतने भाव से बनाइए, सोचिए कि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। जब बहू घर में भोजन बनाए तो सोचना चाहिए कि सास ससुर हमारे देवी देवता है, पति देव भी, पति को देव कहा जाता है, पति देव।
और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। और देवर देव और देव देवर, देखिए कितना बढ़िया बात है, देवर भी देवता ही है। बहुत प्रेम से बनाइए, प्रेम से खिलाइए, प्रेम से खाइए भी। भगवान राम ने कितने प्रेम से बेर खाया है, शिवरी खुश हो गई। आज हमारे नया भंडारी ने भोजन बनाया, तुरई की सब्जी में डबल नमक डाला, परवल की सब्जी में बिल्कुल नहीं डाला, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, तो दोनों सब्जियों को एक में मिला के खाया। वो देख रहा था, सोच रहा होगा ये अलग अलग सब्जी अलग अलग खाना चाहिए, गुरु जी को खाने का भी तरीका नहीं मालूम, एक ही में मिला रहे हैं। मुझे तरीका तो मालूम था, पर उसमें डबल नमक तुरई में हो परवर में बिल्कुल नमक नहीं, तो दोनों मिला दिया तो बैलेंस हो गया। शिकायत करो तो फिर ठीक बात नहीं है, वो भी मिलने वाला नहीं अगर ज़्यादा शिकायत करोगे। जिन सास ससुर ने ज़्यादा शिकायत किया है, बहुत कंप्लेन किया है, रोज नौकम झोंक, तो एक दिन बहुओं ने हथियार डाल दिए हैं, करछुल कढ़ाई बेलन चौकी रख दिया, लो अब तुम खुद ही बना लो बस। अपन झंझट में बुढ़ापे में कहाँ पड़ोगे, बनाने दो। और जिस पति ने ज़्यादा शिकायत किया है, पत्नी जब मायके जाती है दो दिन के लिए, अपनी माँ से मोबाइल करके बोल देती है, माँ कह देना मैं बहुत बीमार हूँ मुझे बुला लो, बहाना करके। माँ फोन करती है दामाद को, जमाई जी मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बेटी को भेज दो, थोड़ा देख ले, बचने को उम्मीद नहीं है, बीमार बिल्कुल नहीं है, धमधूसर बनकर बैठी है। और बेटी वहाँ जाती है, माँ बेटी दोनों आराम से लेटी है रहती है। माँ कहती है अब कब जाएगी ससुराल, बोले अब एक महीना तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि पति देव भी खुश नहीं होते किसी काम से, वहाँ क्या जाना। इसलिए काम करने वालों से थोड़ा खुश भी हुई।